हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और किचन गोल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 डेज हेल्दी ब्रेकफास्ट चैलेंज में डे 5 की ऐसी हेल्दी रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और साथ ही उससे न्यूट्रिशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कटोरी आटा और फ्रेश मेथी की पत्तियाँ। इनको मैंने धो करके रख लिया है। अब इनको बारीक बारीक चॉप करना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के बाद हम इसको आटे में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड 2 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी आटा में 100 ग्राम मेथी की पत्तियों को ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने ली है एक प्याज और इसको भी बारीक बारीक चॉप किया है और उसके बाद इसको हम इस आटा में मिला देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपी आपको मिलती रहे। आटे में मेथी की पत्ती प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एज पर टेस्ट नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आप हरी मिर्च कट करके भी डाल सकते हैं, और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन। इनको डालने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तभी उसके बाद हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसको मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा आटा थोड़ा ढीला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आटा अच्छे से लग गया है। अब हम इसको बराबर बराबर मात्रा में लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे सारी एक साथ। मेथी और प्याज को एक साथ मिक्स करके जब हम इसका इस तरह से नाश्ता बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम एक लोई लेंगे और इस पे सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा चकले पर चिपक सकता है। तो सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको बेलन की सहायता से इस तरह से बेल लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पे सूखा आटा लगा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, ये मेरा पराठा बेल करके रेडी हो गया है। साथ ही दूसरी साइड मैंने गैस पे तवा रख दिया है। तो तवा जब गर्म हो जाएगा हम उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप घी या वेजिटेबल्स ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। तो तवे पर घी लगाने के बाद अब हम इस पराठे को इस पर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं। तो लगभग 1 मिनट में ये एक साइड से सिक जाएगा। अब हम इसको पलट देंगे और इस पर घी लगाएंगे। सो 1 मिनट के बाद ये दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो हम इसे अब दूसरी साइड से भी पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अब हम इस पे घी लगाएंगे। सो इसी तरह से हमें इसको अलटते पलटते हुए सेकना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये क्रिस्पी लगता है। मेथी क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो मेथी का पराठा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, दोनों साइड से पराठा सिक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से अपनी बाकी की लोई से भी हम इसी तरह से पराठा बना लेंगे। आप इसको धनिया, पुदीना, किसी भी चटनी के साथ या फिर सब्जी के साथ भी इसको आसानी से खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आती रहूँगी।